गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों कल हमने हिंदी में वर्ड मीनिंग और कठिन शब्द किए थे। आज हम लेसन वन के प्रश्न उत्तर करेंगे। जो हमारे पहले प्रश्न उत्तर हैं तीन, वो है सोचकर बताइए। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न है, झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं? देखो, तिरंगा यानी तीन रंग। बच्चों हमारा झंडा है वो तीन रंगों से मिलकर बना है, इसलिए हम झंडे को तिरंगा कहते हैं। इसका आंसर देखिए, झंडे को तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तीन रंगों, केसरिया, सफ़ेद व हरा से मिलकर बना है। ओके, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। आगे बच्चों, चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? वो देखा ना बच्चों आपने, झंडे के बीच में गोल गोल चक्र होता है, जहाँ पे वाइट पट्टी होती है, वाइट पट्टी के ऊपर गोल चक्र होता है। तो चक्र में 24 तिल्लियाँ होती है, यानी 24 तिल्लियाँ होती हैं। आगे है थर्ड क्वेश्चन, झंडे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो हमें शुद्धता यानी प्योरिटी, ठीक है, यानी शुद्धता, साफ व शांति का प्रतीक होता है। झंडे में सफ़ेद रंग शुद्धता व शांति का, यानी हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी, उसका ये प्रतीक होता है। ओके, तो बच्चों आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखने हैं और इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके।